मेरे खुदा बता दे कहाँ जाऊँ, दिखता नहीं कोई रास्ता। बच्चों को मैं अपने साथ इस्लामाबाद ले जाऊंगा, कम से कम यहां से तो लाख दर्जे बेहतर जिंदगी गुजारेंगे वो। कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चों को कहीं ले जाने की। जब माँ को ही अपनी औलाद की परवाह नहीं है तो तुम भी अपनी झूठी हमदर्दियां अपने पास ही रखो। जब आपके बुजदिल बेटे ने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा तो मेरी बहन को अपने पैरों में बेड़ियां बांधने की क्या जरूरत है? जिस तरह हसीब आजाद था उसी तरह मीरा भी अपने फैसले में आजाद है। खुदा का वास्ता है आप लोगों को, ये वक्त इस बहस का नहीं। मुझे हैरत हो रही है हमजा की इस सोच। मुझे एक दफा बात करने दें आप हमजा से। किसी से कोई बात करने की जरूरत, मेरा और कितना तमाशा बनाओ के साथ। लोगों की बातों से डर के और घबरा के आप लोग मेरी शादी करना चाहते थे, अंजाम देख लिया। हमजा भी उन्हीं लोगों में से निकला, मगर तुम सबका क्या गया? लोग तो सवाल मुझसे करेंगे कि बारात क्यों लौटी। खुश हो गए हो साथ, मेरे दामन पे एक और बदनामी का दाग लग गया। मैं अकेले में मीरब से कुछ बात कर सकता हूं? दानिया बेटी आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। तौबा तौबा, क्या क्या वक्त देखना पड़ रहा है इन मासूम बच्चों को। आज मेरा, अगर तुम जो छोटी छोटी बातों का इशू बनाओगी तो तुम्हारे ये मसाइल कैसे हल होंगे? छोटी बात? मेरे बच्चे तुम्हारे लिए छोटी बात होंगी, मेरी कुल कायनात है। मतलब ये नहीं था मीरब। अच्छी तरह अंदाजा है कि कोई भी माँ अपने बच्चों के बगैर खुश नहीं रह सकती, लेकिन प्लीज प्लीज मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। जानती हो मीरब, हमारी सोसाइटी में बेवा से शादी करना इतना आसान काम नहीं है। मैंने बड़ी मुश्किलों से अपने मम्मी और बाबा को इस शादी के लिए राजी किया। तो अच्छा है ना, मेरे इनकार ने तुम्हारी मुश्किल आसान कर दी। वैसे हमजा, अगर तुमने मुझसे पहले पूछ लिया होता तो नौबत यहां तक ना आती। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी सोच भी बाकी मर्दों की तरह छोटी और तंग है तो मैं बहुत पहले इनकार कर देती। मेरा ख्याल है कि अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो मीरा। मेरा और अपना तमाशा बनाने की बजाय यहां से चलो और सबसे जाके कह दो कि तुम इस निकाह के लिए राजी। मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं इस निकाह के लिए अब राजी नहीं। मैं ये शादी सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, और अगर वो बच्चे ही अब तुम्हारे लिए सवाल या निशान तो ये निकाह नहीं हो सकता। शादी के लिए तो मैं पहले ही राजी नहीं थी, और अब तो हाँ का सवाल ही नहीं। क्या हरकत है सर? बहुत इज्जत अफजाई हो गई हमारी।
रास्ता।